क्या और इसका जो टेस्ट होता है लाजवाब। कोल्ड ड्रिंक पी गया और गला खराब हो चुका है इनका। थोड़ा विक्स लगा देना ठीक हो जाएगा। ये क्या बार भुजिया चल गया आपके चक्कर में, मेरा भुजिया चल गया। दिन भर खाली आप बैठे रहते हैं तो एक एक काम एक बार में करो ना, या तो सब्जी बना लो या तो रोटी बना लो या तो झाड़ू लगा लो। ठाकुर जी के लिए टाइम निकालना पड़ता है क्योंकि सब कुछ इन्हीं का है। और ये पंडित जी अभी पूजा ही कर रहे हैं, इनकी पूजा ही नहीं खत्म हुई है। भगवान कब मुझे इस ऑफिस से छुटकारा मिलेगा, कब मैं अपना कोई जॉब स्टार्ट कर पाऊंगी, अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाऊंगी। हाँ मैं किराएदार हूँ, हाँ मैं सबसे बड़ा किराएदार हूँ। बहुत बड़ा बड़ा पीस मत करना, छोटा छोटा करना। और सुनो आज कल के कितना देर तक पकाओगी तुम इसको? 15 मिनट। 15 से 20 मिनट ना। गुड मॉर्निंग सबको, राधे राधे। तो हमारी सुबह हो चुकी है और डेली की तरह बहुत सारे काम है और आज हमें मंदिर भी जाना है। मैं घर की साफ सफाई कर लेती हूँ, फिर कुछ नाश्ता बनाऊंगी, उसके बाद तो हम निकलेंगे ऑफिस के लिए। रास्ते में मंदिर है तो हम थोड़ा मंदिर भी आज जाएंगे। गुड मॉर्निंग, तो आज है हमारी एनिवर्सरी और ये जनाब सो रहे हैं खराटे लेके। कोल्ड ड्रिंक पी गया और गला खराब हो चुका है इनका। थोड़ा विक्स लगा देना ठीक हो जाएगा। और ये बना लिया है मैंने चाय, तो मैं चंदन जी को जा रही हूँ चाय देने और उन्हें जगाऊंगी। तो आज नेट के अंदर से ही चाय पीते हैं, गले का हालत एकदम खराब है। और कोल्ड ड्रिंक पीजिए, कम वक्त ये जीभ होती ही ऐसी है लालची, है ना। मिल जाए तो चलो थोड़ा कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, भुजिया चल गया आपके चक्कर में, मेरा भुजिया चल गया। दिन भर खाली आप एडिट में बैठे रहते ही नहीं कि थोड़ा सा जब घर साफ सफाई कर रही है तो आके किचन में काम कर दे, थोड़ा हेल्प कर दे। हाँ, सब आप ही के चलते सुबह शाम तुम्हारे साथ हम किचन में घुस रहे हैं। नहीं आप सुबह शाम सिर्फ एडिट करते रहिए, आपके पास तो आज के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आपको पता है आज एनिवर्सरी है, थोड़ा हेल्प कर दे। आज एनिवर्सरी है बोले कि थोड़ा मंदिर जाएंगे, जल्दी जल्दी ऑफिस जाना रहता है, ऑफिस का अलग टेंशन रहता है। फिर भी आप जाके अपना एडिटिंग पर लगे हुए हैं, इन्हें पानी गर्म होंगे, देखिए पानी खोल गया है तो नहाना चाहिए ना। नहीं तो ये भुजिया मेरी वजह से जला है क्या? आपकी वजह से जला। आप थोड़ा सा किचन में हेल्प करते तो हम घर सफाई कर रहे थे ना, उसी के चक्कर में तो जल गया। एक एक काम एक बार में करो ना, या तो सब्जी बना लो या तो रोटी बना लो या तो झाड़ू लगा लो। तो आज है मेरी एनिवर्सरी, तो आज हम ठाकुर जी को अपने हाथों से बना के भोग लगाएंगे। तो ठाकुर जी के लिए मैं जा रही हूँ बनाने के लिए सूजी का हलवा। मिल गई, देख रहे हैं ना, इनको मिल गई टाइम अब पूजा के लिए। ठाकुर जी के लिए टाइम निकालना पड़ता है क्योंकि सब कुछ इन्हीं का है, तो चलते हैं इनके लिए छत्तर खींचते हैं। जय जय श्री राधे। ये तैयार हो चुका है हमारे ठाकुर जी का भोग और अब मैं इसे छोटे छोटे बर्फी के टुकड़ों में काट दूंगी और फिर भगवान को भोग लगेगा इसका। रोज की तरह आज भी हमारा लेट हो चुका है और हमें मंदिर भी जाना है और ये पंडित जी अभी पूजा ही कर रहे हैं, इनकी पूजा ही नहीं खत्म हुई है। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी मंदिर और मंदिर के बाद मैं जाऊंगी ऑफिस। ऑलरेडी मेरा लेट हो चुका है जैसा कि हर बार होता है इस ऑफिस में, तो दिमाग खराब करके रखा है। भगवान कब मुझे इस ऑफिस से छुटकारा मिलेगा, कब मैं अपना कोई जॉब स्टार्ट कर पाऊंगी, अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाऊंगी। सामने वाले इंसान को हंसी आ रही है क्योंकि उसे मजा आता है ना, उनका अपना है, वो जब चाहे तब करते हैं। मेरे पे हमेशा हंसते हैं कि तुम दिन भर ऑफिस ही करो, ऑफिस ही करो। हे प्रभु दया करो प्रभु। ये जनाब अभी लुफ्त उठा रहे हैं चाय की, शाम को मुझे लेके आए और चाय पीने बैठ गए हैं। और आज हमारी एनिवर्सरी है तो हमने लाया है ये छोटा सा पेस्ट्री। ये हमारा छोटा सा केक है, तो अभी हम थोड़ी देर में कट करेंगे तो आपको दिखाएंगे। हम लोग थोड़ी देर में से कट करेंगे तो आप लोग को दिखाएंगे। उससे पहले हम लोग वॉक पे जा रहे हैं। हाँ अभी हम लोग थोड़ा वॉक पे जा रहे हैं क्योंकि कल भी वॉक छूट गया था। हाँ लेकिन हम कल रेजपा गए थे तो मेरी तबीयत खराब हो गई, थोड़ा गाड़ी चला। हाँ इनकी तबीयत खराब हो गई थी, गला ही बैठ गया था। तो आज हम लोग थोड़ा वॉक पे जाएंगे, जल्दी आएंगे क्योंकि दरवाजा ही फिर बंद हो जाता है हमारे यहाँ का। 8:30 बजे हमारे जो मकान मालिक है वो दरवाजा बंद कर देते हैं 8:30 बजे, तो इसकी वजह से हमें परेशानी होती है। तो हम लोग अभी जाएंगे, फिर आधा घंटा वॉक करके आ जाएंगे। तो अभी तो फिलहाल सबसे बड़ा दुख हमारा यही है। हाँ मैं किराएदार हूँ, हाँ मैं सबसे बड़ा किराएदार हूँ। क्या हुआ जी, सड़ रहा है क्या? ज्यादा लेके आए थे ना हम लोग, तो फिर ये फ्रिज में रखे थे लेकिन फिर भी ये हाल हो रहा है, तो उसमें स्मेल कर रहा था तो निकाल के देख रही हूँ क्या हो रहा है। ऑफिस में तो जाके काम कर रही हो ना, लेकिन घर में तो काम नहीं ना कर रही हो। फूटा क्या? और ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरा ग्लास टूट गया, मेरे हाथ से छूट गया और ये मेरा बोरोसिल का पहला ग्लास फूट चुका है। वो अच्छा है कि मेरे हाथ में नहीं लगा। और ये बहुत बुरा हुआ, कैसे धो रही थी कि टूट गया? ये थाली गिर गया इस पे, इसलिए पहले ना कांच का बर्तन धो के निकाल लेते हैं, लेकिन आज सोचे कि सब एक साथ धोते हैं। ठीक से निकालो कहीं हाथ में ना लग जाए। तो ये जैसे टूट गया, इसीलिए तुम्हारे हम रख देते हैं बर्तन की आदत रहेगा, नहीं आदत रहेगा तो ऐसे सामान तोड़ते रहोगी। पहले शीशा वाला धो के निकाल लो भाई आराम से, तो देख लेना कोई कांच का टुकड़ा वगैरह तो नहीं है, नहीं गड़ उड़ जाएगा। एटलीस्ट आपको कांच वाला बर्तन धो देना चाहिए था जब पीते हैं, इतना भी नहीं करना चाहिए कि सब धो दें, आएगी तो बीती धोएगी। अच्छा ठीक है, हम धो लेंगे आपसे कांच का बर्तन। कांच वाला बर्तन एटलीस्ट धो के रख दिया। और अभी हम लोग
बाहर घूमने गए थे इवनिंग वॉक के लिए, तो मैं लेके आई हूँ ये मशरूम, और अभी मैं बनाऊंगी मशरूम दम, मिट्टी की हांडी में बनाऊंगी। तो पहले मैं इसे साफ करूंगी अच्छे से धो के, उसके बाद मैं इसे हांडी में डालूंगी और बनाऊंगी रोटी। मेरे बगैर तुम्हारा कोई काम नहीं होता है ना, अब मशरूम धो रही हो तो चंदन जी आइए किचन में। बहुत बड़ा बड़ा पीस मत करना, छोटा छोटा करना, ठीक है ना? एक का चार पीस सही है, इसे छोटा क्या, ये सही है। बहुत बड़ा बड़ा मशरूम भी नहीं है, छोटा छोटा है, छोटा छोटा मशरूम है, बहुत बड़ा बड़ा नहीं है, तो सही लगेगा ये खाने में। तो दम लगाने वाली हो तुम कि ऐसे कढ़ाई में बनाओगी? नहीं नहीं, कढ़ाई में नहीं, मिट्टी के बर्तन में। बस अच्छे से मिक्स होना चाहिए। मशरूम आजकल के कितना देर तक पकाओगी तुम इसको? 15 मिनट। 15 से 20 मिनट ना? हाँ, अच्छे से पक जाएगा, एकदम अच्छे से पक जाएगा। चलिए सील कर लो अच्छे से। अब इसको ना हम 1 मिनट तक फुल आंच में पकाएंगे, उसके बाद इसको एकदम लो फ्लेम पर या रखेंगे, नहीं तो फिर एक तवा रखेंगे, उसको गर्म करके लो फ्लेम कर लेंगे और उसके बाद इसको उसके ऊपर रख देंगे। कितना देर पकेगा? 15 से 20 मिनट। हमारे शादी के 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, आज कंप्लीट हो गया, आज के दिन ही हमारी शादी हुई थी। इन 4 सालों में जिंदगी बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत कुछ हमने देखा, बहुत रिश्ता हमसे जुड़ा, बहुत रिश्ता हमसे टूटा, बहुत कुछ हमने पाया भी, और जितना पाया नहीं उसे हद से ज्यादा हमने खोया भी। बहुत सारे लोग नाराज भी हैं, अभी भी नाराज हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग दोनों, अब हमारी एनिवर्सरी है और हम लोग दोनों अकेले सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। जिन्होंने विश किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों को किसी से नाराजगी नहीं है, तो लाइफ में उतार चढ़ाव आता है, बट डट के ऐसे इसी तरह हम लोग खड़े रहेंगे और एक दूसरे का साथ देते रहेंगे और जीवन में ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमारे 4 साल कंप्लीट हो गए, तो ये हमारा एनिवर्सरी केक है। तो चलिए केक कटिंग करते हैं, शादी के 4 साल कंप्लीट होने की खुशी में। आइए, Happy anniversary to you, happy anniversary to us. हम दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, और ये पहला हमारे ठाकुर जी के लिए, क्योंकि हमने ठाकुर जी को सब कुछ माना है, तो ठाकुर जी हमारे सब हैं। ये ठाकुर जी का बाइट निकल गया, ठाकुर जी को खिला के आऊं? हाँ, तब तक हम दूसरा बाइट काटते हैं। तो लाइफ में बहुत सारा फेज आता है, तो खा लीजिए प्रभु, प्रेम से लाएंगे, और इसी तरह से डटे रहना है, आगे बढ़ते रहना है। रोड पे आप जब चलोगे ना, तो गड्ढा गुड्ढी अच्छा रोड मिलने वाला ही है, तो उसी तरह से जिंदगी भी है, उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। टेंशन ज्यादा लेने का नहीं बाबा, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, प्रभु की भक्ति करते रहिए, बिंदास। और ये हमारा केक भेजिए, Happy anniversary to you. Happy anniversary to you, Motu. Thank you so much. देखा जाए इसका क्या हाल है? बस खुल जाएगा। खुल जाएगा? बिल्कुल। खुल क्यों नहीं रहा? पैक हो गया ना भाप से। देखिए कितना भरा हुआ था। वाव, बहुत सही टाइम पे उतारे हैं हम लोग, बहुत अच्छे से पका है, यमी। निकाल के दिखाऊं इसे? मस्त, कितना ऑसम बना है, और इसका जो टेस्ट होता है लाजवाब। तो कभी जरूर बनाइए हमारे स्टाइल में, और हमें कमेंट जरूर कीजिएगा
कैसा लगा आपको मेरा ये हांडी मशरूम? काफी टेस्टी दिख रहा है और काफी अच्छा बना भी है।